कैसा लगा किंजल जी? देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे चाय पीने में ज्यादा मजा आता है। कप से तो हर कोई पीता है, पर ऐसे आवाज निकाल के दोबारा पिए। धवल जी, सॉरी किंजल जी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं बस ये धवल जी को फाइल देने आई थी। कोई बात नहीं फाल्गुनी जी, आप बैठिए ना। धवल जी मैं भी है। जी। किंजल जी के ऊपर चाय गिर गई। कोई बात नहीं। अरे धवल जी, आपकी शर्ट पे तो चाय गिर गई है। मैं आपके लिए आपके मनपसंद खीर बना रही हूँ। गोपी वो, तुम मीरा के पास चली जाओ, ये खीर। नहीं काकी जी, मैं मीरा के पास जाती हूँ। मैं उसके सामने नाचूंगी तो वो शांत हो जाएगी। राशि, मीरा को भूख लगी होगी, इसीलिए मैं गोपी वो से कह रही हूँ। गोपी वो, तुम जाओ। राशि, बस तुम एक काम करना, मैंने ये बादाम और किशमिश और काजू तो निकाल दिए हैं, तुम सिर्फ दूध को गाढ़ा कर लो। अने हाँ, कोई भी भारी काम बिल्कुल मत करना, यदि आवश्यकता पड़े तो मीठी की सहायता ले लेना, समझी गई? इसमें तो इतना सा दूध है, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं कि काम मेरे नसीब में नहीं आया, लेकिन लेकिन हमेशा काम मेरे मत्थे मर जाता है। ये गोपी गवार, ये जब प्रेग्नेंट थी तब भी काम मैं करती थी, और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर भी सारा काम मुझे चीनी का है। राशि, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ काकी जी, मैं ठीक हूँ। अब आप परेशान मत होइए, अब आप नीचे मत आइए। नीचे मत आइए? वो ये काकड़ी नीचे आ गई तो राशि, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें झुकने के लिए मना किया है ना, और तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं ठीक हूं, नीचे मत आइएगा? इसलिए कहा क्योंकि मैं जानती थी कि आप कहेंगी कि तुम मत झुको। तुम झुकी क्यों? व-
वो पानी का जग गिर गया था इसीलिए। ये क्या बात हुई राशि? मैंने तुमसे कहा था ना, यदि तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो मीठी को बुला लेना। मैं अभी मीठी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, अब मैं कर लूंगी। राशि सच कहूं तो मेरे लिए ये हैरानी की बात है, जब से तुम गर्भवती हुई हो तुम काम करने लगी हो। सो, आधा दूध तो गिरी गया। एक काम करती हूँ, चल के कागड़ी को सच बताती हूँ और दूसरा दूध। राशि, तू राशि है और राशि बनी रहना, गोपी बनने की कोई जरूरत नहीं। डांट खाने से अच्छा है मैं मम्मी के रास्ते पे चल के कोई कलाकारी सोचती हूँ। दूध और पानी एक हो गए, किसे पता चलेगा कि कितना दूध है और कितना पानी। चलो खीर तो बन गई, एक काम करती हूँ थोड़ी ड्राई फ्रूट्स और डाल देती हूँ, इससे खीर टेस्टी भी बनेगी और थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। क्या दिमाग चलाया राशि, शाबाश। किंजल जी, आज शाम को चाट खाने चले? मेरे ऑफिस के बाहर एक बहुत बढ़िया चाट वाला बैठता है, आपको बहुत पसंद आएगी। किंजल जी, क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे ये तो वही शर्ट है ना जिसके ऊपर चाय गिर गई थी, इसका तो दाग बिल्कुल निकल गया। वैसे फाल्गुनी जी ने उसी वक्त उसको साफ कर दिया था ना, इसलिए दाग बिल्कुल नहीं रहा। किंजल जी, तो शाम को चाट खाने चलेंगे ना? मैं आपका इंतजार करूंगा, अभी चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।